ऑनर ऑफ द प्रोफेट पे कोई शक नहीं है, मगर ऑनर और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने बच्चों की से आप मोहब्बत करते हैं, आप उनको ऑनर नहीं देते, ठीक है। आप कॉमन सेंस की बात है कि मैं अपने बच्चों को ऑनर क्यों दूंगा, क्या किया उन्होंने ऐसा, या कुछ करेंगे तो ऑनर भी दे दूंगा, मगर बगैर कुछ किए मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। अब बिल्कुल इसी तरीके से मोहब्बत का जो ब्रेन सेंटर है ना, वो कुछ और है, वो केमिकली कुछ और है, और ऑनर का केमिकली कुछ और है। हम नबी अलैहिस्सलाम से जब तक उनके हीरोइज्म के अंदर वो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर सैक्रिफाइस का एलिमेंट विजिबल करके नहीं बताएंगे ना कि किस तरीके से वो अभी भी हमारे साथ उसी डेवलपमेंट, बिल्कुल, तब तक वो बच्चा क्यों प्यार करेगा। मेरे कहने से आप मुझसे तो नहीं प्यार करेंगे, मेरे कहने से आप किसी भी तरीके से कोई भी कोई किसी से कह दे हाँ मेरे से प्यार कर, वो प्यार करना शुरू कर देगा, कभी भी नहीं हो सकता। मैं ऑनर तक करवा सकता हूं खाली स्टोरी टेलिंग से, मगर जब तक वो प्रॉपर बाय डिजाइन स्ट्रक्चर तरीके से वो तमाम तर मामलात नबी अलैहिस्सलाम के बच्चों को एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं सुनाए जाएंगे, तब तक उन बच्चों के सामने वो एक 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 एम्बॉडीमेंट ऑफ लव क्रिएट ही नहीं हो सकता, उनका केमिकल ट्रिगर नहीं हो सकता। ये बड़ा है साहबा और हमें जमीन आसमान का फर्क क्यों सबसे पहले कहां से पढ़ना शुरू हुआ है कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आपको पता चले साइकोलॉजी कैसे है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के ना भतीजे थे, उनसे वो बातचीत कर रहे थे, तो हुज़ैफा बिन यमान के भतीजे ने उनसे कहा कि चाचा जी आप लोग रह गए हैं, अगर हमारे होके होते हुए नबी अलैहिस्सलाम होते ना तो जमीन पे कदम ना रखने देता मैं उनको, आप लोगों ने तो एक आम सी लाइफ गुजारी है उनके साथ। ये ऑनर की बात नहीं हो रही है, मोहब्बत की बात, याद रखिएगा। और हजरत हुज़ैफा ने फिर जो जवाब दिया है ना, अब आपकी वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, बहुत लंबी हदीस है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने भी बताया कि बेटा तुझे बताता हूँ मोहब्बत कैसे करते थे नबी अलैहिस्सलाम से, और फिर उन्होंने वाकयात सुनाए कि मोहब्बत होती क्या है, करनी कैसे पड़ती, और वो सारे के सारे वाकयात खुदा की कसम सैक्रिफाइस के थे कि मैं अपनी जान कुर्बान कैसे करूंगा, इतना एक सेकंड लगेगा। जिस बंदे को भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है ना ख्वाब में, और उसने नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा है, खाली ख्वाब में ज़ियारत की बात बता रहा हूं, जितने भी लोगों से मैंने पूछा है जिन्होंने मुझे बताया, और मैंने कहा कि भैया सबसे पहली फीलिंग क्या आती है, तो मैं आपको 10-12 बंदों की बात नहीं बता रहा हूं, काफी बंदों की बात बता रहा हूं, सबसे पहली फीलिंग जो उन्होंने बताई ना मुझे, वो ये कि जैसे ही हम नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो पहली फीलिंग दिल से निकलती है कि इतना आसान है अपने बच्चे तक कुर्बान कर देना, इसको ऐसी शख्सियत, एक सेकंड में सकीना आ रहा था कि सब कुछ को, ये नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देख के पहले सेकंड में ये एलिमेंट आता है। जिसने भी ज़ियारत किया पूछ लेना उससे, मैंने पूछा है तो आपको बता दूं। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु जो राजदान रसूल है ना, क्लोसेस्ट कंपेनियन में से हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, सो उन्होंने फिर ना अपने भतीजे को ना फिर दास्तान सुनाई कि बेटा मोहब्बत किसे कहते हैं, हम आपको बताते हैं, आप फिक्र ना करें, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो सैक्रिफाइस की दास्तानें सुनाई कि जो सहाबी किस तरीके से, मैं वो कैसे बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वे उहद में खड़े हुए हैं और सहाबी ऐसे छलांगे मारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्योंकि तीर हवा में से गुजर रहे हैं और सामने ऐसे नहीं कि कमर कर रहे हैं, एक दूसरा बंदा बचाते हुए, रादर देन गोइंग इन टू पेन दिस मैन गोज इन टू द विक्ट्री, के ये काम हो गया मेरे भाई लाइफ का, अल्लाह ताला के हाँ मैं चुन लिया गया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के आगे आगे तीर जो है ना आंख पे लगा। नबी इस्लाम ने खैर वो आंख उठाई और वापस लगा दी और ठीक भी हो गए। हजरत कसादा कहते हैं कि वो वाली आंख मेरी सारी उम्र ज्यादा देखती रही, ज्यादा अच्छी आई साइट उसकी थी जो नबी इस्लाम ने वापस डाली थी। बहरहाल द पॉइंट इज, किस तरीके से सहाबी नबी इस्लाम को देख रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरब का ये कल्चर है कि बच्चे को ट्रेनिंग में मगाजी सिखाए जाते हैं। कोई अरब का बच्चा नहीं ऐसा जो पैदा हुआ इसको मगाजी ना सिखाए गए। मगाजी होते हैं गजबों की दास्तानें, ठीक है। सो नबी अलैहिस्सलाम की जो मिलिट्री क्या होते हैं गजबे की गजबे, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, अरेबियन स्टूडेंट्स थे सारे, मिस्री थे, जॉर्डेनियंस थे, और देखें कल्चर में फर्क क्या होता है हमारे और अरब के कल्चर में फर्क।
तो अरबी मिस्री टीचर हमें गज़वा हुनैन सुना रहे थे टोरंटो के अंदर, और गज़वा हुनैन में नबी इस्लाम को ना, क्योंकि ऑनस्लॉट हुआ था कुफार का, दोनों तरफ से एम्बुश हुए थे मुसलमान, हम 10,000 बंदे थे मगर एम्बुश हो गए, तो एकदम क्लस्टर में टूट गई, सारे सहाबा की टीम्स क्लस्टर में टूट गई, नबी इस्लाम बिल्कुल अकेले रह गए। नबी इस्लाम वो आगे चल रहे हैं और सोचे जरा नबी इस्लाम इशाद क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी उस वॉर क्राई थी ना, वो कोई और थी, हुनैन की वॉर क्राई कुछ और, वॉर क्राई होती है वो नारा जो के हर साहबी हर वॉर के अंदर नबी इस्लाम मुख्तस करते थे। नबी इस्लाम उस वक्त अपनी वॉर क्राई के साथ आगे चल रहे थे कि ये मैं कैसे, देखें इसको कहते हैं खुदी की वो थी मैं मोहम्मद, खुदी की पीक चेक करें जरा कि नबी इस्लाम वो वॉर क्राई कर रहे हैं कि मैं कोई झूठा आदमी तो नहीं हूं जो मुझे किसी किस्म का कोई मसला होगा। तो अल्लाह ताला के नबी इस्लाम की वॉर क्राई क्या थी, बार बार वो पढ़ रहे हैं अना नबीउल्लाह कज़िब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये बार बार इशारा फरमाई जा रहे हैं और आगे जाई जा रहे हैं, मैं मोहम्मद हूं, ये अना नबीउल्लाह कज़िब कि मैं कोई झूठा नबी नहीं हूं, अना नबीउल्लाह कज़िब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये कहते कहते वो आगे जा रहे हैं और पूरी फोर्स आगे, एंड दिस वन मैन माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, वो आगे जा रहे हैं। सोचिए आप जरा कि मैं आपको ये वाक्य क्यों सुना रहा हूँ, ये वाकई मैं सुन रहा था और मैं खुदा की कसम ऑनर ले रहा था उस वक्त, क्या ऑनर की स्टेट है, और सारे मेरे अरबी दोस्त सारे धाड़े मार मार के रो रहे थे और मैं इनको देख रहा था कि मुझे रोना तो नहीं आ रहा, मुझे तो एक फीलिंग ऑफ यू नो हीरो आ रही है, मगर अरबे सारे बैठे वहां पे मेरे 34-35 में, उसका 25 का था, 35-35, 40-40 साल के मेरे बड़े भाई लोग ना, वो चीखे मार के रो रहे हैं कि ये क्या वाक्य हो रहा है, और मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि ये कैसी साइकोलॉजी बनती है इनकी, How are they trained? Why are they crying about this? So it's such a big difference. जब आपको उस्ताद मिल जाए ना जो अंदर से ना दिल निकाले साफ करे और वापस सेट करे कि बेटा मोहब्बत का दिल अलग होता है और रुतबे और तकरीम का दिल अलग होता है, ठीक है, और हमें हुक्म भी हिब्बू का है कि अल्लाह के और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा करोगे। ऑनर तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ नबी इस्लाम का, ऑनर तो कुफार भी देते थे नबी इस्लाम को, इज्जत तुम दे क्या सकते हो, इज्जत दे क्या सकते हो तुम। सो वरफाना अल्लाह का जिक्र रखा, ऑनर तो अल्लाह के नबी इस्लाम का अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिया, मगर मोहब्बत हमारे दीन का ईमान का हिस्सा बनाया कि मोहब्बत इस, मैंने आपसे कहा ना कि हजरत उमर से ज्यादा कोई ऑनर कर सकता है नबी इस्लाम को, मगर जब यह हदीस आई ना और नबी इस्लाम ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि उमर कोई भी मोमेंट तब तक नहीं हो सकता जबकि अल्लाह और उसके रसूल को अपने ज्यादा और अपनी जान से भी ज्यादा बीवी बच्चों से भी ज्यादा अजीज न रखे, तो हजरत उमर बिन खत्ताब देखें किस क्या पर्सनैलिटी होती है, अंदर बाहर सब कुछ साफ एक जैसा, नफाक जीरो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब नबी इस्लाम से इशारा फरमा रहे हैं, सोचें ये क्या बात हो रही है, कौन सी दोस्तियों की बात हो रही है। मैं तो अपने आप से ज्यादा नहीं प्यार करता आपसे, कोई बंदा इतना सच्चा हो सकता है, ये सब कॉन्शियस ट्रेनिंग होती है तब का कि ये लेवल अचीव होते हैं। तो नबी इस्लाम ने कहा उमर, नबी इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि लाहौर वाला कुवत ये तो कुफर हो गया तेरे साथ, नहीं, नबी इस्लाम ने कहा कि उमर तो तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक नफ्स से ज्यादा ना प्यार करे। तो तुम्हें फिर अगली सेशन में कह रहे यार रसूलुल्लाह अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यार नबी इस्लाम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उमर ये तू मोमिन हो गया। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ लेमैन, एक बच्चे को जब आप 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को जब इस वाक्य को इतना सुनाएंगे उस बच्चे को क्या समझ आएगी। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस, ब्रेक इट डाउन इन टू पीसेस and tell them how and what is the value of every piece and how am I connecting this chain of pearls. A chote si hadith ke andar itna bada waqia create ho jata hai.